एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोप के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज एचएएल देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था। एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है, शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता, जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में, नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता, वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ, ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो एक नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते यार। आसमान में, आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। मैं